कोटा जिले के सुल्तानपुर क्षेत्र में एक आस्थाई केंद्र पर इन दिनों एक बाबा चर्चा का विषय बने हुए हैं। यहां क्षेत्र के बाकिया गांव में कालीचंद नदी के किनारे स्थित हनुमान मंदिर के महंत आनंदगिरी महाराज इन दिनों विवादों के घेरे में हैं। यहां मंदिर के महंत पर धार्मिक भावना के साथ खिलवाड़ करने और धार्मिक आस्था को चोट पहुँचाने के साथ ही अवैध रूप से मंदिर में असामाजिक तत्वों को पनाह देने का आरोप लगा है। आरोप को लेकर बड़ी संख्या में गांववासी पुलिस थाने पहुंचे और नारेबाजी के साथ थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपते हुए बाबा के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी की। वहीं दूसरी ओर बाबा ने भी आरोपों को निराधार बताया और जबरन छवि करने का आरोप लगाया है। आस्था केंद्र में इस तरह के आरोप प्रचारों के बाद पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। ग्रामीणों से मीडिया से बातचीत करते हुए ग्रामीणों का कहना है कि ये केली सोती है, ये केली रहती है, रात में जो पक जाते हैं दिन में वो वापिस आ जाते हैं और रात में ना जाए उसके साथ करते हैं। और जब हमारे को रिकॉर्डिंग का सबूत मिला तो पूरे गांव वाले में फैल गए, उसको निकालने चाहते हैं। गांव वालों का यही विरोध है, बाबा ऐसा बाबा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। 12-13 वर्षों से एक आश्रम पर अखंड जोत चल रही थी, वहाँ पे एक आनंदगिरी नाम से बाबा आ गए हैं और उन्होंने अखंड जोत को भी बुझा दिया है। और वहाँ पर लगभग 1-1.5 वर्ष से एक अवैध महिला उन्होंने वहाँ पर अपने साथ रख रखी है। रात्रि में असामाजिक तत्व वहाँ पे आते जाते रहते हैं, महिला को बाबा चेली बताता है। लेकिन हमें एक बाबा की और महिला की वीडियो टेप प्राप्त हुई है, उससे हमें उसके बाबा की अश्लील और अवैध संबंध के करतूतों के बारे में खुलासा हुआ है। बाबा उसमें चेली को अपनी लुगाई शब्द से पुकार रहा है और कुछ और भी अश्लील शब्दों से बाबा ने और आपस में चेली की बातचीत है। इस वजह से गांव में, गांव के श्रद्धालुओं में, भक्तजनों में भयंकर आक्रोश है। उनकी कानून से, प्रशासन से मांग है कि इस ढोंगी बाबा को आश्रम से, उस लुगाई को आश्रम से यहाँ से भगाया जाए, अन्यथा गांव, आसपास के गांव वाले इस जन आक्रोश को आंदोलन के रूप में जनता के सामने, प्रशासन के सामने पेश करेंगे। हम बाबा को यहाँ से भगाना चाहते हैं। बाबा अवैध है, ढोंगी है, वो धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचा रहा है। गांव की महिलाएं भी उससे बहुत परेशान हैं, ये कहना चाहता हूं मैं। 12 वर्षों से मैं यहाँ मान जी का आस्था के चंद्र से जुड़ा हुआ हूँ और ये बाबा तो भी आए हैं 2-3 साल से। इससे पहले पूर्व में मच्छंद्रगिरी बाबा यहाँ पर रहते थे, लेकिन वो कोई कारण से यहाँ से निकल गए। उसके बाद में हम सब गाँव वालों ने ये आश्रम का देख रेख करते रहे और ये बाबा जब से यहाँ इस लड़की को, लुगाई को लेकर यहाँ आए हैं 1-1.5-2 साल से, जब से हम जो पुराने भक्त थे इनके बाबा की जो सेवा करते थे, या आश्रम को चलाते थे, कैसे भी हमारी मजबूरी थी, या आश्रम पे आने जाने वाले भगत सभी लोग यहाँ आया जाया करते थे। परंतु ये जब से बाबा और को लेकर आने लगे, जब से आज बात के आने वाले भगत सब इन लोगों से टूट चुके हैं। पहले घी की व्यवस्था थी ज्योति के लिए, तो सब हम भक्त लोगों ने करके उनकी ज्योति की व्यवस्था लगा रखी थी और चल रही थी। परंतु अब ये बाबा आने के बाद से जब से लोगों ने उनका सहारा बंद कर दिया, तो ज्योति भी महाराज जी ने खंडित कर दिया, क्योंकि उनका व्यवहार गलत था। लोगों से गाली गलौज करते थे, जान से मारने की धमकी देते हैं। ये बताते हैं कि गाँव वालों के तो बच्चे हैं, मेरे कौन से बच्चे रोने वाले। ये मैं आपके पत्रिका माध्यम से कहना चाहता हूँ। और उसकी औरत की जो टेप रिकॉर्डिंग है वो भी हमारे पास इसी उनकी औरत ने भेजी है, जो हमारे पास मौजूद है, जो हमने CI साहब को रिपोर्ट कराई है, उसमें भी उसका ब्यौरा शिलंघन दिया है। और टेप रिकॉर्डिंग भी हम आप पत्रिका का माध्यम से, इस रिकॉर्डिंग का माध्यम से आप कहे तो हम टेप रिकॉर्डिंग भी इसमें सुना सकते। महंत आनंदगिरी महाराज ने भी जानबूझकर लोगों द्वारा आश्रम को बदनाम करने का आरोप लगाया और इस मामले में पुलिस को भी परिवार देते हुए गांव के कुछ लोगों पर जानबूझकर बदनाम करने और मंदिर स्थल को अवैध रूप से असामाजिक तत्वों का अड्डा बनाने से रोकने पर इस तरह से बदनाम करने की बात कही है। यहां महंत का कहना है कि कुछ लोग मंदिर परिसर में हुए विकास से नाराज है और उन्हें गलत तरीके से बदनाम कर रहे हैं। इस मौके पर मीडिया से बातचीत में बाबा ने कहा कि धाम बनाना चाहते हैं और यहाँ आके 10-10, 20-20 जन आके मन मर्जी करते हैं। हम मन मर्जी करने से मना करते हैं तो नाजायज मेरे को बदनाम किया जा रहा है। ये धर्म स्थल है, यहाँ पर 10-10, 20-20 जन आते हैं, अलग अलग टोलियां बैठ कर गांजा भांग चरस पीते हैं जी, परेशान किया जाता है, ये इनकी मन मर्जी करते हैं। तो बाबा
हमने ये कुंभ में हमारे भगत है, पूरा परिवार जुड़ा हुआ है, क्या राजकुमारी परमार राजपूत, उसका बालक मैंने गोद लिया है। उसका पिता का छोटी सी उम्र में 8 महीना का था जब डेड हो गई थी, यानी उसका मर गया था वो, क्या उस कारण बस। तो वो बच्चा मेरे को क्या नाम है जो उन्होंने गोद दे दिया कि महाराज मैंने जब कॉलेज में पढ़ते थे तो हमने ब्राह्मण के बालक से लव मैरिज किया, तो मेरे परिवार वाले उसको पसंद नहीं करते बच्चे को, इस बच्चे को जैसे मेरे को मेरे परिवार वाले भी पसंद नहीं करते हैं। तो हमने बोला कि मैं बच्चा हमको दान दे दे, हम इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, बड़ा विद्वान बनवा देंगे। तो वो बच्चा को मैंने दान लिया, तो बच्चा को संभालने के लिए यहाँ आते जाते हैं, उस बच्चा के चीज भी लाने के लिए, और मेरे सेवक हैं, आत्मा के सेवक हैं, उसको लेके नाजायज मेरे को बदनाम किया जा रहा है। ना मेरी वीडियो ने मेरा कुछ भी है, और आप गांव वालों से पूछ क्या, आज मुझे 10 साल हो गया, रस्ते जाता हूँ रस्ते आता हूँ, बैंड से बैंड भाई से भाई कहता हूँ, मैं बाहर विदेश का बाबा नहीं हूँ, पास का बाबा हूँ, प्रेमपुरा मेरी जन्मभूमि है, मेरी जन्मभूमि में जाके आप जायजा लीजिए। मैंने 4-5 जगह आश्रम बनाया, उस आश्रम के गांव में जाके मेरा जायजा लीजिए कि यहाँ वो बाबा रहे थे, उस बाबा का कैसा रिकॉर्ड है। ये हमारा कहना है, व्यक्तिगत धाम बनाना चाहते हैं। ये जो बदनामी का शब्द जो आ रहा है, जहाँ राम पैदा हुए वहाँ रावण पैदा हुआ, संतों की आत्मा ऐसे रावण जैसे रावण ने सीता का हरण किया था, वैसे आज संतों के ऊपर अनेक आरोप लग रहे हैं, और वो अनेक आरोप एक मात्र देशता के कारण लगाए जाते हैं और कुछ नहीं है। नहीं तो संत जो यहाँ बाकिया में जो निवास कर रहे हैं 8-10 साल से, उनको गांव वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके यहाँ निवास करने से हनुमान जी का विकास हुआ है, हनुमान जी की चैतन्य हुई है, जगह का विस्तार हुआ है। आज ये बाबा के ऊपर जो आज लाचन लग रहे हैं, इन्होंने कादियाड़ा में भी आश्रम बनाया, वहाँ केतड़ी में बनाया, छिपनेड़ी में बनाया, इन्होंने 3-4 जगह और आश्रम बनाए, वहाँ भी जहाँ भी रहे इन्होंने धर्म का ही विकास किया है। अब आज ये लाचन लगा रहे हैं कुछ आदमी कि कोई राजकुमारी नाम की महिला ऐसे ऐसे वहाँ आती जाती है, तो जहाँ गुरुदेव रहते हैं वहाँ भगत आते हैं और महिला भी आती है। बाकी आज दिन तक किसी महिला ने इस क्षेत्र में 4 आश्रम बनाए, किसी ने बाबा के ऊपर आरोप नहीं लगाए। अगर जिस महिला का नाम ये ले रहे हैं उसको सिद्ध करके प्रमाणित करके उस महिला से कहलवाया जाए, जब तो जनता माने, आंखों से देखा कानों से सुना इसको सत्य माने, जब वो महिला कह देगी तो हम गांव वाले भी, ये गांव वाले भी बाकी निवासी के यहाँ बैठे हुए, ये भी तो सुने कि महिला ने कहा है क्या, कुछ हुआ है क्या, जब उसको हुआ होगा, उसने कहा होगा और पहले से उसकी बदनामी कर दी, ये भी एक विषय। क्या नाम? मेरा नाम गजराज सिंह है, अगले जाएगी निवास। अब मामला जो भी हो और पुलिस जांच में जो भी बात सामने आई, लेकिन एक बार फिर धार्मिक आस्था विवादों के घेरे में है। आइए पुलिस से जानकारी लेते हैं और क्या कहना है इस मामले में पुलिस अधिकारी का। उनके साथ अन्य व्यक्ति आए थे थाने पर, जनरल श्रीमान सिलाई साहब को एक परिवार पेश किया कि ग्राम बाकिया में हनुमान जी के मंदिर पर आनंद गिरी जी महाराज नाम के 8-10 साल से निवास कर रहे हैं, जो कई किसी महिला को भी साथ रख रहे हैं। इससे क्या है कि वहाँ की जो महिला को साथ रखने से हनुमान जी की वस्तु उसकी जो गरिमा खराब हो रही है, तो उनको वहाँ से हटाने के संबंध में उन्होंने एक परिवार पेश किया है, इसकी जाँच की जा रही है। इसी संदर्भ में बाबा आनंद गिरी ने भी एक परिवार पेश किया था गिरिराज जी के खिलाफ, उन्होंने जान से मारने की धमकी दी है, उसके संबंध में भी जांच की जा रही है और उन्हें पाबंद कराने की जरूरत है। आज और बयान कमान आदि से जैसी हमारी सूरत होगी जैसी।